आज आप लोग के लिए मैं न्यूज़ लाया हूँ। सारी की सारी न्यूज़ जितनी भी आती है आपको एक ही जगह मिल जाती है मेरे चैनल पे, तो इसलिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो सेंटर चेंज करने का इशू आ रहा है और जितनी भी आपकी फ़ोटोग्राफ है, सिग्नेचर है, इससे आप अब 20 तारीख तक चेंज कर सकते हैं। 20 तारीख तक आपके पास टाइम है, तो जल्दी से जल्दी अगर किसी का कुछ ऐसा प्रॉब्लम है तो अपना चेंज कर सकते हैं। वो सेंटर सिग्नेचर हो गया, कोई भी अगर मिस्टेक है आपके फ़ोटोग्राफ में या फिर कोई भी अदर मिस्टेक्स है तो आप उसे मतलब फ़िल्टर आउट कर सकते हैं और अभी फिगर आउट कर सकते हैं कि उसे सही कर सकते हैं। करेक्शन विंडो खुला हुआ है अभी, तो ये एनटीए की तरफ से नया नया नोटिस आया था तो मैंने सोचा आपको बता दूं। अब मैं आपको नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ लेके चलता हूं। और भाई कर्नाटका में कई बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे और मूवमेंट चला रहे थे इस तरह का कि कर्नाटका सीईटी को जो है पोस्टपोन करना चाहिए, पर गवर्नमेंट ने फैसला लिया है। वहाँ पर जो डिप्टी सीएम है उन्होंने फैसला लिया है कि हम कर्नाटका सीईटी करवा कर ही रहेंगे, 100% श्योर है वो। और उन्होंने कहा है कि किसी भी हालत में हम कर्नाटका सीईटी को पोस्टपोन नहीं करेंगे। तो यार ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उन लोग के लिए जो कि ऐसा सोच रहे थे कि शायद ये एग्ज़ाम भी पोस्टपोन हो जाएगी। तो मैं आपको अब नेक्स्ट न्यूज़ बताना चाहता हूँ जो कि है हमारे जो है यूजीसी के लिए। यूजीसी की तरफ से गाइडलाइंस आई है कि अब उन्हें फाइनल एग्जाम्स करवानी ही है और उन्होंने डिसाइड कर लिया गवर्नमेंट ने कि हम एग्जाम्स कराए बिना किसी भी बच्चे को पास नहीं करेंगे। इसी के रिगार्डिंग मैं आपको बताना चाहता हूँ, ममता बनर्जी जो है उन्होंने पीएम मोदी को जो है एप्लीकेशन भी लिखी है ताकि जो है जितने भी बच्चे हैं उनकी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए ताकि एग्ज़ाम्स कराए बिना बच्चों को प्रमोट करा जाए। तो यार ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आप लोग के लिए क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि गवर्नमेंट सोच रही है कि वो सितंबर तक सारी एग्ज़ाम्स करवा ले, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स, एंट्रेंस एग्ज़ाम्स सब कुछ करवा ले, पर क्या सेफ्टी इंश्योर हो सकती है। इसी के रिगार्डिंग ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को जो है एप्लीकेशन लिखी है। मैं आपको नेक्स्ट न्यूज़ बता कि ममता बनर्जी को लेटर लिखना पड़ रहा है पीएम मोदी जी को ताकि जो है एग्ज़ाम्स को थोड़ा आगे शिफ्ट करा जाए क्योंकि अभी ऐसी बिल्कुल कंडीशन वो देख नहीं पा रहे हैं कि एग्ज़ाम्स को कराया जा सके। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पर डे केसेस आपको पता है कितने आ रहे, आप भी रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, तो यार हमें भी पता चल रहा है कि कंडीशन कैसी वर्स्ट आ रही है। ये के लिए अपीयर होते हैं उन लोग की जो एग्ज़ाम है उसे कंबाइन कर दिया गया, मतलब दो फेज़ में एक्चुअली शायद एग्ज़ाम होती है, तो वो दिसंबर में जो एग्ज़ाम होनी थी और जुलाई में जो एग्ज़ाम होनी थी दोनों को कंबाइन कर दिया गया है। और ये फैसला लिया गया है क्योंकि अभी सरकार भी प्रिपेयर्ड नहीं है कि अलग अलग फेजेज़ में एग्ज़ाम ली जाए, तो एक बार में ही करवा के निपटाना चाहते हैं। तो यार इस तरह के जो पोस्टपोनमेंट से रिलेटेड न्यूज़ है और जितने भी आर्टिकल्स हैं मैं सारे पढ़ता हूँ और आपके लिए एक जगह इकट्ठे करके लाता हूँ। थैंक यू वेरी मच, यार शॉर्ट सा वीडियो बनाया मैंने ताकि आपको ज़्यादा टाइम भी वेस्ट ना हो, आपको जितनी भी इन्फॉर्मेशन है एक ही जगह मिल जाए। थैंक यू वेरी मच ये वीडियो लास्ट तक देखने के लिए दोस्तों।